हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज आई एस मींस की इंटर सिंबल इंटरफेरेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिस इज नॉट नॉइज दिस इज इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस किसके बीच में एज नेम सजेस्ट इंटर सिम्बल्स मीन्स कि जो सिम्बल ट्रांसमिट होंगे उनके बीच ही ये इंटरफेरेंस होगी नाउ वाई दिस इंटरफेरेंस अराइज तो इसका एक रीज़न तो है कि इफ़ कम्युनिकेशन चैनल इज डिस तो हमारी जो पल्सिस होती हैं उनको जो बिड ड्यूरेशन असाइन होता है वो अपने अलॉटेड बिड ड्यूरेशन से स्प्रेड हो जाती हैं एंड एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं इसको हम एक डाइग्राम से समझते हैं हमने सपोज सिक्वेंस लिया वन जीरो वन वन जो हमें ट्रांसमीट करना है ठीक अब हमने इसको लाइन कोड किया बाई यूजिंग यू एन आर जेड यू एन आर जेड मीन्स कि यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो इन केस ऑफ यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाई एम्पलीट्यूड एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाई डी सी जीरो बोल तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया नाउ अब हमने जब इसको चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया तो ये हमारी जो वन थी ये हमारी स्प्रेड हुई इसको अलॉटेड जो ड्यूरेशन था दैट बट ये स्प्रेड हो गई मोर देन टीबी में सेम वे ये वाला वन भी हमारा स्प्रेड हो गया ये वाला भी वन तो ये जहां एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है जो ये शेडेड वाला पोर्शन दिखाया है दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस वो ओवरलैप कर रही है मीन्स की वहां पे इंटरफेयर कर रही है ठीक है नाउ ये तो हमने देख लिया कि वॉट इज इंटरफेरेंस एंड वाई दिस इज अराइज ठीक नाउ अगर अभी हम यहाँ पे देखना है कि हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल किया हमने किसके लिए किया बाइनरी के लिए तो नाउ इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा हमारा कि हम बेस बैंड बाइनरी पैम सिस्टम को लेते हैं तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस बैंड बेस बैंड एंड पास बैंड ट्रांसमिशन टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वाइबा और समटाइम्स टू मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसबेंड एंड पासबैंड तो प्लीज रिमेंबर इन केस ऑफ बेसबेंड ट्रांसमिशन मॉड्यटिंग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विदाउट मॉड्युलेशन बट इन केस ऑफ पासबैंड मॉड्येटिंग सिग्नल इज ट्रांसमिटेड आफ्टर मॉड्यूशन ठीक तो ये तो हुआ डिफरेंस अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे तो हमने यहाँ पर जो बेस्ट एग्जाम्पल लिया है दैट इज पर्ल्स एम्पलेट्यूड मॉड्युलेशन बिकॉज दिस इज द बेस्ट बेसबैंड मॉडुलेशन टेक्निक डायग्राम होल डाइग्राम आप इसको बना लेना नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या अप्लाई किया इनपुट बाइंडरी सीक्वेंस विच वी वॉन्ट टू ट्रांसमिट अब ये इनपुट बाइंडरी सीक्वेंस क्या होगा इसको हमने रिप्रेजेंट किया बी के से दिस इज दिस इज द ग्रुप ऑफ वन जीरो हम जो भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं सीक्वेंस वन जीरो वन वन एनी हम जो ट्रांसमिट करना चाहते हैं बिट्स के फॉर्म में वो हमने इस पर अप्लाई किए नाउ दिस उसको डि बाई ए के इफ बिट बी वैल्यू वन होगी इन दैट केस एम्प्लीटूड ऑफ ए के विल प्लस वन जीरो यहां से इनपुट से अगर पैम ने जीरो को रिसीव किया तो जो पल्स का एम्पलीट्यूड वो ट्रांसमिट करेगा वो क्या ट्रांसमिट करेगा माइनस वन क्लियर कि फोर बिट वन ए के इज प्लस वन एंड फोर बिट जीरो ए के इज माइनस वन ये याद रखना है आफ्टर पल्स एम्प्लीटूड मॉड्यूलेटर दिस शॉर्ट पल्सिस इज अप्लाइड टू ट्रांसमिट फिल्टर इस ट्रांसमिट फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है

आउटपुट ऑफ दिस मीन्स की ट्रांसमिट फिल्टर की जो आउटपुट है दैट इज एस टी नाव दिस इज अप्लाइड टू द चैनल नाउ चैनल पर अप्लाई हो गया मीन्स की ये जो पोर्शन था टिल दिस इनपुट पैम्प और ट्रांसमिट फिल्टर दिस इज द ट्रांसमीटर पोर्शन नाउ अब हम कहाँ आ गए चैनल पे नाउ जब इस सिग्नल को हम पास करेंगे एस टी को थ्रू चैनल ट्रांसमिट करेंगे इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है एच टी तो इसके आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा एक्स नॉट टी एंड इस दिस एक्स नॉट टी जो होगा दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स नॉट टी इज कॉम्बिनेशन ऑफ एस टी डॉट एच टी क्या होगा एस टी जो यहां पे मिला और उसका इंपल्स रिस्पॉन्स एच टी पास होगा तो यहां पर क्या ऐड होगी

अब बट बिफोर दैट अब यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या था जी टी यहाँ क्या था एच टी और यहाँ क्या था सी टी तो इन सबका कंबाइंड या और ओवरऑल जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा हम शो करेंगे बाई म्यू ये पल्स है तो म्यू पी टी इज इक्वल टू इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसमिट फिल्टर कॉन्वॉल्व विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ चैनल कॉन्वॉल्व विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ रिसीव फिल्टर सी टी ठीक है तो ये हमारा ओवरऑल क्या होगा इंपल्स रिस्पॉन्स इन सब का पी हम यूज कर रहे हैं फॉर पल्स एंड म्यू जो है ये हमारा स्केलिंग फैक्टर है ठीक नाउ आउटपुट ऑफ दिस रिसीवर फिल्टर इज वाई टी वाई टी इज डिनोटेड बाई वाई टी इज इक्वल टू म्यू बिकॉज ओवरऑल स्केल किया था हमने म्यू से समीशन ऑफ के ए के बिकॉज इनपुट पर इसको क्या मिल रहा था ए के समीशन ऑफ के ए के एंड पल्स हमारी क्या हो जाएगी पी टी माइनस के टी बी और इसके साथ हमारी नॉइज भी एड हो गई एन टी क्लियर है तो ये जो हमारा एस टी था नाउ आफ्टर ट्रांसमिटिंग थ्रू द रिसीव फिल्टर आउटपुट पर हमें क्या मिला वाई टी इज इक्वल टू म्यू बिकॉज दिस इज द स्केलिंग फैक्टर ए के सेम होगा P G की जगह हम क्या लेंगे P बिकॉज दिस इज ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स अभी हमने बताया था T माइनस के टीबी प्लस नॉइस ठीक है तो नाउ आउटपुट वाई टी मीन्स की आउटपुट ऑफ दिस रिसीवर फिल्टर वाई टी is applied to sampler this switch work as a sampler it sample y t at it, ti is equal to itb we all know ki tb kya hai bit duration jis par hum sample kar rahe hain then output of sampler is used to reconstruct the original signal तो जो sampler का output होगा उससे हम apply करेंगे किस पर decision device को ये डिसीजन डिवाइस क्या करेगा कंपेयर करेगा सैम्पलर की आउटपुट को विथ थ्री शोल्ड वैल्यू इफ आउटपुट ऑफ सैंपलर इज ग्रेटर देन द थ्री शोल्ड वैल्यू देन डिसीजन डिवाइस टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ वन मीन्स कि हमने वन रिसीव किया इफ़ वाई टी आई इज लेस देन थ्री शोल्ड तो ये किसके फेवर में रिजल्ट लेगा जीरो और अगर इक्वल होगा

इनके ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर हमने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा तो ये क्या हो जाएगा म्यू पी एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दीज जी एफ फॉर जी टी एच एफ फॉर एच टी एंड सी एफ इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ठीक नाउ लेट आउटपुट वाई टी दिसंपल डेट टी आई इज इक्वल टू आई टी बी बिकॉज दिस इज द आउटपुट ऑफ रिसीव फिल्टर तो जब इसको करेंगे हम टी आई पे तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज वाई टी आई इज इक्वल टू म्यू समीशन k इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए के पी अंडर ब्रैकेट टी आई माइनस के टीबी प्लस एन टी आई ठीक नाउ जब हम इसको सैंपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी आई इज इक्वल टू म्यू समीशन के इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इन ए के पी आई टी बी माइनस के प्लस एन टी आई ठीक नाउ इट कैन बी रिटर्न एज म्यू समीशन के इज इक्वल टू माइनस इन फाइनाइट टू इन ए के पी यहां से हम टी बी को कॉमन ले लें तो आई माइनस के टीबी प्लस एन टी आई ठीक नाउ इफ आई माइनस के इफ आई एन के बोथ इक्वल होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा पी जीरो मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू ए आई पी फंक्शन ऑफ जीरो प्लस म्यू समेशन के माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बट आई इज नॉट इक्वल टू के बिकॉज हमने वो यहां पर ले लिया ठीक है यहां क्या होगा ए के पी आई माइनस के टी बी प्लस एन टी आई ठीक है तो नाउ इसको हमने नॉर्मलाइज किया था तो इसके वैल्यू को हमने क्या लिया था वन तो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स म्यू ए आई प्लस म्यू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यहां भी इक्वल का साइन होगा आई इज नॉट इक्वल टू के ए के पी आई माइनस के टीबी plus एन टी आई ठीक ना तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. इसमें से जो दिस पोर्शन है दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयथ ट्रांसमिटेड पिट एंड दिस पोर्शन दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द

आई एस आई शुड बी एबसेंट एंड नॉइज शुड बी इक्वल टू जीरो अगर नॉइज जीरो हो जाए यह पोर्शन एब्सेंट हो जाए तो वट इज दैम्पल आउटपुट वाई टी आई इज इक्वल टू म्यू ए आई मीन्स की वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल टू दिस शोज द आइडियल कंडीशन आइडियल कंडीशन वेन आई एस आई एंड नॉइस बोथ इज एबसेंट ठीक है Thank you so much.